मेरा नाम है और मेरा तल्लक जम्मू कश्मीर अंजुमन तलबा इस्लाम से। ये जो पाकिस्तान मौत से डरता नहीं, जरा मुझे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दे। सुभान अल्लाह। आपको देखे तरंगी तखय्यरात इस्लाम को हिजाज और यमन से निकाल दे। क्या बात। और इसका जवाब क्या है कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर। मेरा नाम मोहम्मद अहमद हसन सैयद मुशरिक जान अली जान अभी एटीआई या रसूल अल्लाह अस्सलाम। इश्क रसूल मोहब्बत है रसूल जो है वो सिर्फ एक ताल्लुक नहीं है, सिर्फ खुशगुमानी नहीं है, ये कायनात के सारे मसाइल का हल है। सैयदी मुर्शदी या नबी गुलाम है गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है। जिस जज्बे के होते हैं जिस अमल के होते हैं तारक बिन ज़ियाद स्पेन के साहल पर 12 कश्तियां लेकर उतरा था और पूरा स्पेन फतह करके उसने वहां पर हुकूमत कायम कर दी थी। हमें वो वाला दर्स और वो वाला सबक आखिर क्यों याद नहीं है कि जो बदर में शुरू किया गया था, योम बदर का आज भी दिन है तो बदर का ताल्लुक हमारे बुनियादी अगराज से है, बुनियादी मकासद से है, बुनियादी ईमान से है कि बदर के दिन को किताब मुबीन ने योम फुरकान कहा कि यह फ़र्क करने वाला दिन है हक और बातिल के दरमियान। आप अगर बदर के दिन को देखें तो ये बहुत एक खौफनाक किस्म का तारीखी दिन है कि मुसलमानों को सियासियात के आम उसूलों से हटकर मुसलमान जब मक्का मुकरमा से हिजरत करके आते हैं तो मदीना मुनव्वरा में उन्हें एक रियासत तैयार मिलती है, उन्हें एक रियासत अदा की जाती है, उन्हें एक रियासत दी जाती है, वो तादाद में थोड़े लेकिन हुकूमत सीधा मुसलमानों को दी जाती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम अभी मदीना तैयबा में तशरीफ़ ही नहीं लाए कि मदीना की बच्चियाँ अपने घरों से बाहर निकल कर तलाल बदर अलैना आपकी आमद के गीत गा रही है और आपको हुकूमत पेश की जाती है, लेकिन उससे अगले साल आप पर एक खौफनाक जंग मुसलत की जाती है बदर की सूरत में कि 313 के मुकाबले में 1000 का लश्कर खड़ा है और 313 भी वो हैं जिनके पास साजो सामान भी नहीं है, जिनके पास उस वक्त का जो असला है वो भी नहीं है, वो उस तरह से मुसल्ला भी नहीं, वो जंग की तैयारी में भी नहीं और इनकी सल्तनत भी नौजायदा है, बिल्कुल अभी अपने पाँव पर खड़ी नहीं हुई और वहाँ से पूरा आलम कुफर उठ के पूरे कुरैश के बड़े बड़े सरदार उठ के आए हुए हैं और बड़े बड़े जरी और बहादुर हैं और उनके साथ न सिर्फ वो है बल्कि उनके पीछे दुनिया की बड़ी ताकतों से उनके ताल्लुकात भी हैं जो उस वक्त की बड़ी ताकतें हैं। खाना काबा पर उनका तसल्लुत है, वो आकर इस्लाम के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं तो उस वक्त पैगम्बर ग्रामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते हैं कि या अल्लाह अगर आज तूने अपने नाम लेवाओं की मदद ना की तो शायद कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना आए थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए ये बराए रास्त एक गैरत का मामला भी है, लेकिन उससे पहले अल्लाह असबाब हमें यह दिखाता है कि उन 313 लोगों की कमिटमेंट कितनी है, उनकी पैगम्बर ग्रामी से वफादारी कितनी है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जो मौजज़ात हैं और फजल हैं वो बदर में दिखाए। पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जो 313 का एक लश्कर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदर में जा रहा है, पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी वफादारियाँ चेक की कि ना को शायद उस वक्त भी और बहुत सारे लोग रहे होंगे दुनिया में जो ये कहते रहे होंगे कि हम भी आशिक रसूल हैं, हमने भी कलमा पढ़ा हुआ है, जैसे होता है आमतौर पर हम भी वही कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह से लोगों को कबूल नहीं किया करते जब तक कि वो अपने अमाल से ये साबित ना करें कि हम इस्लाम के साथ अल्लाह के दीन के साथ अल्लाह के रसूल के साथ मुखलिस हैं। अल्लाह के रसूल के साथ इखलास जब उन सहाबा कराम का या सालेहीन की उस पहली जमात का जिन्हें सबकुन अलबलून कहा जाता है जिनकी अगले पिछले गुनाह अल्लाह ने मुआफ़ किए उनके मुतालिक जब अल्लाह को इत्मीनान हो गया कि ये
اخلاص کے اس درجے پر ہیں کہ اپنی جانیں اور اپنے مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر قربان کرنے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں, تو اللہ رب العزت نے پھر وہاں پر وہ معجزات دکھائے کہ ایک صحابی اگر چھڑی لے کر چلتا ہے تو وہ تلوار کی طرح چلتی ہے, ایک صحابی کی آنکھ نکلتی ہے تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آنکھ لے کر آ جاتا ہے, تو آپ اس کی آنکھ کی جگہ واپس لگا دیتے ہیں اور وہ لگ جاتی ہے, حالانکہ کوئی سرجری نہیں ہے, یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے, لیکن تاریخ کہتی ہے کہ یہ ہوا اور یہ غیر جانبدار تاریخ کہتی ہے, یہ ہماری صرف مسلم تاریخ نہیں کہتی, یہ ہماری دنیا کی غیر جانبدار تاریخوں نے لکھا کہ یہ سب ہوا. میں نے پہلے یہ استدعا کی تھی کہ ہم نے مزید آگے بڑھنے ہیں, آپ نوجوان جو ہیں ان کا بس نام ہمارا مستقبل ہے, ہم نے میرا ماضی بھی یہی تھا, اس لیے کہ ہم نے اسی سے بحث ہی سیکھی, اور مستقبل بھی آپ ہی ہمارا ہیں, کیونکہ نوجوان کے بغیر آگے بڑھنا بہت مشکل ہے, وہ تو ہمیں خادم رسول صاحب بتا گئے کہ ہم نے چلنا کیسے ہے, کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد دنیا سے مسلمان گیا, یہ جو معاشرہ ہمیں اپنی سمت میں آگے بڑھا رہے ہیں, لیکن الحمد للہ انمنت علیہ السلام جو ہمیں دیتی ہے جو قرض دیتی ہے کہ اس معاشرے کی تندرست ہواؤں کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے میں خوفِ خدا اور عجز کے رسول کو دعاؤں میں اسی دامن میں رہنا ہے, اسی سے چمٹے رہنا ہے, تب ہماری دنیا اور آخر کی موت کامیاب ہو سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرا نام عبدالقدوس ہے, سیدی مرشدی, میرا نام محمد بکار اور غلام ہیں غلام رسول کے غلام ہیں, جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی. میرا نام رضوان اختر ہے, انجمن طلبہ اسلام زندہ باد.
मैं बेसियत जनरल सेक्रेटरी अंजुमन तलबा इस्लाम ज़िला नीलम इस प्रोग्राम में आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ।